सियासत एक तरफ होती है, लेकिन जब आप नाकामयाब रहते हैं, जब आप अक्षम रहते हैं, तो आपको कहने के लिए कुछ नहीं होता। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि वो यहाँ के बेटे हैं, आपको बाहरी बता रहे हैं। जो बेटा होता है ना, वो लोगों के बीच में रहता है, तो फिर इस तरह के आरोप क्यों है? काला झंडा बेटे को दिखाया जाता है कि बाहरी को? मुझे तो, मैं यहाँ का बेटा हूँ, वो नेता है। हमारी गारंटी, हम उसको बिल्कुल मंजिल तक पहुंचाते हैं। गारंटी गारंटी होती है, कोई बयानबाजी नहीं होती, कोई खोखले वादे नहीं होते। इसलिए और यहाँ पर मैं मौजूद रहा हूँ, मैं लोगों की समस्याओं को समझता हूँ और बड़ी गहराई में गया। कुछ दिन पहले जो है स्मृति ईरानी आई हुई थी रविशंकर प्रसाद जी के समर्थन में प्रचार करने के लिए, बहुत सारे आरोप जो है वो लगा करके गए। कांग्रेस में पहली नौकरी पक्की और महिलाओं को 1,00,000 रुपए सालाना, ऐसे संकट के वक्त में ये बहुत बड़ी बातें हैं। और हम, आप सब लोग जानते हैं कि वो हम अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं जैसे ही सत्ता में आते हैं। उन्होंने अपनी नुमाइंदगी एक तरह से विश्वास किया रविशंकर जी पे, लेकिन रविशंकर जी लोगों के बीच में कभी आए तक नहीं, एक बार भी नहीं आए। और यहाँ पर लापता सांसद किधर हैं, इस तरह से बातें चलने लगी। रविशंकर जी को बहुत ज़्यादा वक्त मिला हो तो उन्होंने क्या किया, आप बताइए? उनको 10 साल 20 साल से रहे हैं सियासत में, बहुत लंबा उनका सफ़र रहा है, तजुर्बेदार हैं, इतना वक्त मिला तो क्या किया पटना साहिब के लिए? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। 1 जून को जो है पटना में चुनाव मतदान होने वाला है, और इस बार जो है महागठबंधन ने विश्वास जताया है अंशुला अभिजीत पे, इस वजह से वो हॉटशीट भी बनी हुई है। और आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है मैनिफेस्टो जारी किया गया है। हमसे पूछेंगे कि, मैं इसको पढ़ रही थी तो इसमें लिखा हुआ है अंशुल की गारंटी, इस पर पटना साहिब की जनता क्यों विश्वास करे? क्योंकि हमारी गारंटी, हम उसको बिल्कुल मंजिल तक पहुंचाते हैं। गारंटी गारंटी होती है, कोई बयानबाजी नहीं होती, कोई खोखले वादे नहीं होते। इसलिए और यहाँ पर मैं मौजूद रहा हूँ, मैं लोगों की समस्याओं को समझता हूँ और बड़ी गहराई में गया। खुसरूपुर से लेके, तनियावां से लेके, बख्तियारपुर और फतुहा और पटना साहिब और कुम्हरार, सब जगह जो यहाँ पर प्रखंड हैं, जो पंचायत हैं, वहाँ पर स्तर पर जा के समस्याओं, पहले तो समझा कि क्या समस्याएँ हैं और उसका समाधान भी निकाला। कुछ दिन पहले जो है स्मृति ईरानी आई हुई थी रविशंकर प्रसाद जी के समर्थन में प्रचार करने के लिए, बहुत सारे आरोप जो है वो लगा करके गए यहाँ पे महागठबंधन पर। नहीं तो लगाए आरोप, उन बेरोजगारी पर उन्होंने कोई जवाब दिया? जो महंगाई पर उन्होंने जवाब दिया कि महंगाई कितने ज़्यादा है यहाँ पर, सब्जी के दाम और दाल चावल आटा के दाम कितने ज़्यादा हो रहे हैं, उस पर उन्होंने जवाब दिया? महागठबंधन क्या आरोप लगाएंगे, वो तो तूफान की तरह आगे बढ़ रहा है। सियासत एक तरफ होती है, लेकिन जब आप नाकामयाब रहते हैं, जब आप अक्षम रहते हैं, तो आपको कहने के लिए कुछ नहीं होता। पिछले कुछ लोकसभा चुनाव से देखें तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। बिहार की बात करें तो जो है ये जो सीट है वो बीजेपी की सीट कही जाती है, तो आपको लगता है कि इस बार स्थिति में सुधार होगा? नहीं, बीजेपी की सीट किस लिए, प्रचार है ये। अगर आप 52 से देखें, नहीं तो आप 52 से देखें तो कौन जीतता आ रहा है? तो ठीक है, सियासत में तो बदलाव कैसे आता है? अभी लोग चाह रहे हैं, उन्होंने देख लिया, एक उन्होंने अपनी नुमाइंदगी एक तरह से विश्वास किया रविशंकर जी पे, लेकिन रविशंकर जी लोगों के बीच में कभी आए तक नहीं, एक बार भी नहीं आए। और यहाँ पर लापता सांसद किधर हैं, इस तरह से बातें चलने लगी। लोगों के दिक्कतों को, परेशानियों को समझिए भाई, ये आपका दायित्व है। और जब नहीं आते हैं लोगों के बीच में, तो जनता आखिर परेशान होकर क्या कहेगी? मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है, लोग पटना साहिब की जनता कह रही है कि अब बहुत हो गया, आप जाइए दिल्ली, जाइए, वहीं रहना चाहते हैं तो मत आइए यहाँ पर। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि वो यहाँ के बेटे हैं, आपको बाहरी बता रहे हैं। जो बेटा होता है ना, वो लोगों के बीच में रहता है, तो फिर इस तरह के आरोप क्यों है? काला झंडा बेटे को दिखाया जाता है कि बाहरी को? मुझे तो, मैं यहाँ का बेटा हूँ, वो नेता है। तो जहाँ पर काला झंडा दिखाया जा रहा है बख्तियारपुर में या कहीं भी जा रहे हैं, विरोध हो रहा है, तो बेटे से किया जाता है विरोध, तो किससे किया जाता है? बीजेपी के दिग्गज नेता है वो सभी प्रचार में आ रहे हैं रविशंकर प्रसाद के, तो आपको लगता है कि ये इतना आसान रहेगा आप उनको हरा पाएंगे? आए, मैं कहता हूँ, और क्यों नहीं आ रहे भाई? कितने परेशान होंगे जो आ रहे हैं बार बार यहाँ पर, इतनी परेशानी होगी, इतना दबाव होगा उनको कि भाई रविशंकर जी से ऐसे सांसद को हमें वकालत करनी पड़ रही है जो लोगों के बीच में कभी गए नहीं, और आइए, मैं तो स्वागत करता हूँ, इतने ही क्यों, और आने चाहिए। अन्य जो प्रत्याशी है उसके अलावा, जब कह सकते हैं कि आपको बहुत कम वक्त मिला है प्रचार करने का, तो आपको लगता है कि बहुत कम वक्त पे आप पहुंच पाएंगे जनता तक? नहीं, ये वक्त की बात नहीं होती, ये विश्वास की, जनता की विश्वास की बात होती है। अगर रविशंकर जी को बहुत ज़्यादा वक्त मिला हो तो उन्होंने क्या किया, आप बताइए? उनको 10 साल 20 साल से रहे हैं सियासत में, बहुत लंबा उनका सफ़र रहा है, तजुर्बेदार हैं, इतना वक्त मिला तो क्या किया पटना साहिब के लिए?
तो वक्त की बात नहीं होती, विश्वास जीतने की बात होती है और समर्थन, जन समर्थन की बात होती है, और एक तरह उनके प्रति जो नाराजगी है उसका कि वो क्या करेंगे, तो ये मुद्दा है। कितने सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप पूरे महागठबंधन की बात है? नहीं, हम भारी बहुमत मिलेगी। सीटों के आंकड़े में तो आप ज़्यादा बेहतर हैं, आप करिए, ये आपका काम है। मुझे तो इतना पता है कि एक तूफान की तरह महागठबंधन आगे बढ़ रहा है, बहुत लोग परेशान हैं, और जो एक सकारात्मक राजनीति लेके हम आ रहे हैं, घोषणा पत्र लेके आ रहे हैं, मेरा तो ये अपना है, लेकिन एक पूरा महागठबंधन का भी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी है, सामाजिक न्याय भी है, बेरोजगारी भी है, महंगाई पर भी है, और जो हम कहते हैं कांग्रेस में पहली नौकरी पक्की और महिलाओं को 1 लाख रुपये सालाना, ऐसे संकट के वक्त में ये बहुत बड़ी बातें हैं, और हम आप सब लोग जानते हैं कि वो हम अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं जैसे ही सत्ता में आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अंजुल अभिजीत है, आपने इनको सुना, बाकी आपकी कह रहा है, आप हमें जरूर बताइएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।